आप कई लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करा होगा और कमांड प्रॉम्प्ट को कभी कभी आज मैं भी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे पसंद आ गई हैं और मुझे पहले से कमांड प्रॉम्प्ट की कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स पता है जो कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा सो so, अगर आप लोग चाहते हो थोड़ा सा फैंसी बनना कुछ नया सीखना कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में ये वीडियो आप लोगों के लिए है लेट्स गेट स्टार्टेड तो यहाँ पर जो पहली टिप है कमांड प्रॉम्प्ट की वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट को किसी भी एक फोल्डर में खोलना है तो आप लोग यहाँ पर एड्रेस बार में जाकर सीएमडी लिखकर एंटर मार दें और आपको यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट खोल मिल जाएगा इसके बहुत सारे फायदे हैं कभी भी किसी भी फोल्डर में आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है तो आप लोग खोल सकते हो और यहां पर अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कलर किस तरह से चेंज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का तो अगर आप लोग यहां पर लिखते हैं हेल्प कलर कलर और यहाँ पर आप लोग देखो इसने बहुत सारे कलर्स मुझे दे दिए हैं ब्लैक ब्लू ग्रीन एक्वा रेड पर्पल येलो वाइट बहुत सारे कलर्स हैं मैं इन कोड्स का यूज़ करके इन कलर्स को चेंज कर सकता हूँ प्रेस एनी की टू कॉन्टिन्यू मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर कलर और मैं लिखता हूँ जीरो फाइव तो यहाँ पर देखो ये कलर चेंज हो गया अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीरो नाइन तो ये देखो कलर चेंज हो गया अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीरो फाइव तो कलर वापस से चेंज हो गया जीरो थ्री लिखता हूँ तो ये कलर आ गया जीरो टू लिखता हूँ एंड यू गॉट द पॉइंट यार मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का कमांड prompt भी यूज़ कर सकता हूँ ये मेरा फेवरेट है बाय द वे काफ़ी मतलब ना हैकर वाली फीलिंग आती है जैसे कहते हैं तो ये कमांड prompt मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और जब मैं कर रहा होता हूँ ना तो लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ कई लोग आते हैं मेरे पास कहते हैं यार ये कैसे किया सो so, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अभी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये तो पहली चीज़ हो गई कलर चेंज करना कमांड प्रॉब्लम का अगली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो है कि आप लोग इस प्रॉम्प्ट को किस तरह चेंज कर सकते हैं हाँ मुझे पता है कि यार ये डायरेक्टरी का नाम लिख कर आ रहा है और इस डायरेक्टरी के नाम से आप लोग जो है काफ़ी कुछ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग को ये जानना है मैं कहाँ पर हूँ ये एक बहुत अच्छा आपका संकेत दे रहा है बट अगर आप लोग इसको कुछ इस तरह से चेंज करना चाहते हैं हैरी एट द रेट हैकर तो ये काम आप कैसे करेंगे तो आप लोग अगर हेल्प प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट कमांड को इस्तेमाल करने के लिए खेल आ जाएगा और इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग ग्रेटर देन, देन, ये सारे के सारे साइंस यूज कर सकते हैं इन स्पेशल कोर्ट्स की सहायता से अब आप लोग देखना मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉम्प्ट और उसके बाद मैं लिखूंगा हैरी और मैं लिखूंगा एट द रेट हैकर और उसके बाद मैं लिखूंगा डॉलर कैपिटल जी और यहाँ पर देखो मेरा जो प्रोमट है वो चेंज हो गया हैरी एट द रेट हैकर एंड यार दिस गिवस अ फीलिंग ऑफ हैकर कभी आप लोगों को जिस तरह का प्रॉम्प्ट चाहिए कि यार कुछ आप कस्टम अपना डाल सको तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वहां पर हेल्पफुल साबित हो जाती है अब यहाँ पर जो अगली टिप है कमांड प्रॉम्प्ट की वो है कि आप लोग चेंज कर सकते हो टाइटल और यार ये ट्रिक मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ टाइटल ना ये अच्छा नहीं लग रहा है जी विंडो सिस्टम थर्टी टू सी एम डी मैं यहाँ पर इस टाइटल को चेंज करूँगा आप लोग देखना कैसे मैं चेंज करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल और लिख दूँगा हैकिंग दिस सिस्टम ठीक है और यहाँ पर देखो हैकिंग द दे सिस्टम ऊपर लिख कर आ गया और मज़ा आ जाता है यार इस तरह के टाइटल्स को देखकर और कोई भी देखता है कहता है अरे बाप रे हैकिंग द सिस्टम हैकर एट अटैरी मतलब कि ऐसा इंसान जिसने ज़्यादा कंप्यूटर नहीं चलाया अपनी लाइफ में और हैकिंग कोडिंग वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता उसको ये लगेगा कि यार आप यहाँ पर एक हैकर बन चुके हैं और आप लोग कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं सो आई होप कि ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो अब जो मैं बताने वाला हूँ ना यार क्या बताऊँ वो तो सबसे खतरनाक हैक है और आप लोग स्टार वॉर्स देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प में आपको यकीन नहीं होगा आप लोग कहेंगे क्या स्टार वॉर्स वो भी कमांड प्रॉम्प में हाउ डज इट इवन मेक सेंस तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग स्टार वॉर्स कैसे देखेंगे आप लोगों को लिखना है यहाँ पर टेलनेट और उसके बाद आप लोगों को लिखना है टॉल डॉट ब्लिकन लाइट्स ब्लिंकन लाइट्स डॉट एन एल ठीक है और सिर्फ इतना आप लोगों को करना है और आप लोग यहाँ पर देखो कि स्टार वॉर्स मूवी चालू हो गई है स्टार वॉर्स का कमांड प्रॉम्प वर्जन स्टार्ट हो गया है आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार इज़ इट रियल क्या यहाँ पर मुझे एक मूवी दिखाई जाएगी तो आप लोग देखते जाओ यहाँ पर आप लोग को मूवी दिखाई जाएगी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा इसके आगे बढ़ने तक का और आप लोग यहाँ पर देखो कि ये देखो पूरी मूवी आप लोग को यहाँ पर दिखाई जा रही है दिस इज अमेजिंग यार मतलब कमांड प्रॉम्प में किसने इसको कोड किया और बनाया स्टार वॉर्स और मज़ा ही आ गया यार मतलब मुझे तो ये देख के मज़ा ही आ गया तो ये थी हमारी स्टार वॉर्स मूवी अगली जो ट्रिक है वो है आप लोग किस तरह से फोल्डर्स को हाइड कर सकते हैं कमांड प्रॉम की सहायता से तो अगर आप लोग कमांड प्रॉम की सहायता से किसी भी फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू फोल्डर पर और हैरी नाम का यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा आप लोग इसको हाइड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर और इसको हिडन बनाकर बट द प्रॉब्लम इज जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपका ऊपर जब आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे तो होगा क्या कि आप लोग अगर यहाँ पर शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स कर देते हैं तो वो फोल्डर दिख जाएगा बट अगर आप लोग चाहते हैं वो उसके बावजूद भी ना दिखे तो आप लोग कुछ इस तरह से इसको हाइड कर सकते हैं मैं यहाँ पर जल्दी से सी एम डी को खोल लेता हूँ और सी एम डी को खोलने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एट ट्रिप एट ट्रेप और उसके बाद लिखूंगा प्लस एच और उसके बाद लिखूंगा प्लस एस उसके बाद लिखूंगा प्लस आर और उसके बाद मैं हैरी लिख दूँगा और ये काम मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पर देखो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो हैरी फोल्डर गायब हो चुका है चिंता मत करो ये यह यहीं पर है आप लोग को अगर वापस से इसको देखना है तो आप कुछ इस तरह से इसको वापस से शो कर सकते हो तो जहाँ पर आपने प्लस लिखा है वहाँ पर आपको इस कमांड में माइनस लिख देना है और यहाँ पर मैं एंटर मारूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ पर हैरी लिख कर आ गया यानी कि मेरा फोल्डर वापस आ चुका है तो इस तरह से आप लोग जो है फोल्डर हाइड कर सकते हैं और कोई भी ढूंढ नहीं सकता आपके सिस्टम में ये फाइल्स अगर मौजूद हैं बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे होंगे जो कि फोल्डर्स कुछ अपने हाइड करना चाहते होंगे तो यार सिस्टम थर्टी टू में मत डालना इस तरह से लो आप लोग आप यूज़ करके फाइल्स को हाइड कर सकते हो अगली जो ट्रिक है यहाँ पर वो बहुत मज़ेदार है क्योंकि आप लोग उसकी सहायता से कोई भी कमांड के आउटपुट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लो डी आई आर कमांड चलाया या फिर लेटेस्ट uh, से आपने uh, यहाँ पर आई पी कॉन्फिक चलाया और आप चाहते हैं कि इसके आउटपुट को यानी कि जो इतना बड़ा आउटपुट इस समय मुझे दिखाया आप चाहते हैं कि इसके आउटपुट को आप क्लिप बोर्ड पर कॉपी कर लें यानी कि आप कॉपी कर लें इसको तो आप लोग क्या करें यहाँ पर एक पाइप लगा कर क्लिप लिख दें अगर आप लोग इसको पाइप लगाकर क्लिप लिखेंगे तो ये अब आपका क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो चुका है प्रूफ आप लोग को मैं दिखाता हूँ मैं नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर बनाकर यहाँ पर राइट right क्लिक पेस्ट करूँगा तो देखो ये कमांड का आउटपुट यहाँ पर कॉपी हो चुका है अगर मैं डी आई आर और उसके बाद क्लिप लिखूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा कंट्रोल ए कंट्रोल वी तो इसने जो है डी आई आर कमांड के आउटपुट को मेरे क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर दिया है तो इस तरह से मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ अपने टर्मिनल में कमांड के आउटपुट्स को ठीक है सो ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है अगर आप लोग को नहीं पता थी तो आप लोग के बहुत काम आने वाली है अगली यहाँ पर जो ट्रिक है वो है कि आप लोग जो है एफ़ की का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को देखने के लिए तो ये सारे कमांड्स हैं जो कि मैंने चला रखे हैं अभी एट्रिप ट्रिप वाला चलाया डी चलाया आई पी चलाया इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने ये सारे कमांड चलाए आपको ये तो पता ही होगा कि यार आप सिर्फ एरो की का इस्तेमाल करके जो है आ, इस तरह से अपनी जो कमांड हिस्ट्री है उसको देख सकते हैं और आप लोग जो है किसी भी कमांड को ऑटो कंप्लीट करने के लिए अगर आप लोग जैसे एम के डी आई आर करते हैं और फिर एच लिख के टैप दबाते हैं तो हैरी ऑटो कंप्लीट हो गया ये सारी चीज़ें तो आपको पता है एरो एयरकीज का यूज़ कर सकते हैं आप होम का यूज़ कर सकते हैं अपने कर्सर को स्टार्टिंग में लाने के लिए एंड का यूज़ कर सकते हैं एंड में लाने के लिए आप लोग कंट्रोल बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं वर्ड को डिलीट करने के लिए ये सारी चीज़ें आप लोग को मालूम थी बट एफ़ सेवन शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा एफ़ सेवन बहुत ज़्यादा यूज़फुल शॉर्टकट है अगर आप लोग एफ़ सेवन की अपने की बोर्ड में दबाते हैं तो आप इस तरह कमांड्स को देख सकते हैं आई होप दिस वाज हेल्पफुल अगली जो यहाँ पर हमारी ट्रिक है कमांड प्रॉम्प्ट की वो है कि किस तरह से आप लोग एक ऐसा फोल्डर बना सकते हैं जो कि विंडोज में अलाउड नहीं है व्हाट डस दैट मीन मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इस वीडियो को देखने के दौरान एक फोल्डर बनाने की कोशिश करो जिसका नाम है con con और देखो यहां पर क्या लिख कर आ रहा है स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब यह है कि आप इस नाम का फोल्डर नहीं बना सकते विंडोज के अंदर आप लोग को इसको बनाने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा आप क्यों नहीं बना सकते इसका इसकी एक वजह है विंडो ने नामों को रिजर्व कर रखा है आप ऑक्स नाम का फोल्डर भी नहीं बना सकते मैं यहां पर आप लोग को दिखाता हूँ ऑक्स नाम का भी नहीं बना सकते कौन नाम का भी नहीं बना सकते बट बना सकते हो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप लोग अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हो यार ऑक्स नाम का फोल्डर बना के देगा मैं बना के दिखाऊंगा आप लोग कैसे बनाएंगे आप सी एम डी में जाएंगे और उसके बाद आप लोग ये जो कमांड में आप लोग को बता रहा हूं वो फायर करेंगे आप लोग लिखेंगे एम डी ऑक्स और बैक स्लैश और ये काम आप जैसे ही करेंगे देखो ऑक्स नाम का फोल्डर आपने बना दिया या फिर आप लोग कुछ इस तरह काम कर सकते हैं एम डी और स्पेस कॉन मेक श्योर कि कॉन या ऑक्स जैसे नाम आप इस्तेमाल करें जो कि अलाउड नहीं है विंडोज में विंडोज ने ये नामों को रिजर्व कर रखा है और विंडोज अलाउ नहीं करती है इन नामों के फोल्डर को बनाने के लिए ठीक है सो ये रिजर्व नेम्स के फोल्डर भी आप लोग बना सकते हैं अगर आप लोग इस ट्रिक का कर इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और हैक मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इन ट्रिक आप लोग को बताना चाहता हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके सारे के सारे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स को अपने कमांड पॉइंट में इनफैक्ट अपने कंप्यूटर में देख सकते हो कौन कौन से आपके प्रोग्राम्स है जो कि इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए आप लोग को लिखना है डब्ल्यू एम आई सी प्रोडक्ट और गेट और उसके बाद नेम और आप जैसे ही इस कमांड को फायर करेंगे आप लोगों के बस सारे के सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है दिस टेक सम टाइम थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है बट ये लिस्ट कर देगा सारे के सारे आपके जितने भी है विंडोज में वो आपको दिखाएगा एज यू कैन सी पर इसने सारे के सारे प्रोग्राम्स दिखा दिए जो जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं अब कई लोग स्टार वॉर्स मूवी जब देखने जाएंगे मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ उस टाइम बताना भूल गया स्टार वॉर्स मूवी जब आप देखने जाएंगे तो आपको टेलनेट फीचर को इनेबल करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर जा सकते हैं अपने कंप्यूटर में और आप लोग अपने स्टार्ट में क्लिक करके टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ में जा सकते हैं और यहाँ पर टेलनेट को चेक कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देखिए टेलनेट लाइन को मैंने चेक कर रखा है आपको चेक करके इसको ओके okay करना है तभी आप लोग आए होंगे अपने दोस्तों के साथ और उनको जाकर दिखा सकते हैं कि यार आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में कलर वगैरह चेंज करके प्रॉम्प वगैरह चेंज करके और टाइटल वगैरह चेंज करके उनको दिखा सकते हैं और उनको इंप्रेस कर सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी तरह के डाउट्स है कोडिंग से रिलेटेड तो मैंने यहाँ पर एक प्ले बनाई हुई है जिसका नाम है कोडिंग डिस्कशन विद हैरी आप लोग उसको जाकर जरूर चेकआउट करें मैंने प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कोर्सेज भी बना रखे हैं जिनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं प्ले में जाकर बहुत सारी प्ले मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है ये सारे कोर्सेज मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं आप लोग लेकिन ये कोडिंग डिस्कशन विद हैरी वाली प्ले है तो इसको जरूर चेकआउट करना है इसमें मैंने आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स का जो कॉमन डाउट्स है उनको आंसर किया हुआ है मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद सब लोग जाए इस प्ले में और देखें जाकर कि क्या क्या वो चीज हैं जिनका आप लोग को ध्यान रखना चाहिए अगर आप लोग एक सफल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं मैंने अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया रखा है और वो सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली आज क्वेश्चन हैं uh, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम